केंद्र सरकार युवाओं को स्वरोजगार शुरू करने के काबिल बनाने के लिए कई कदम उठा रही है। इसी दिशा में सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। इन्हीं में से एक है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। इस योजना के तहत गरीब परिवारों से जुड़े युवाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिले के कालाअंब में योजना के तहत वर्तमान में करीब 500 युवा विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण हासिल कर रहे हैं। इन युवाओं में हिमाचल सहित बिहार, झारखंड और जम्मू कश्मीर के प्रतिभागी शामिल हैं। ग्रामीण कौशल योजना के तहत युवाओं को ये प्रशिक्षण मुफ्त दिया जा रहा है। इसके लिए युवाओं ने केंद्र सरकार का आभार जताया है। कोर्स जो HHAT का कर रहा हूँ, ये 3 मंथ का कोर्स है। इसके बाद हमें प्लेसमेंट भी करवाई जाती है और यहाँ पे ना हमारे लिए कोई फीस है, ना कुछ है, ना हॉस्टल का रेंट वगैरह देना पड़ता है। ये कोर्स हमें फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जा रहा है। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। सर यहाँ पे 3 मंथ का कोर्स है, इसके बाद सर हमें मतलब कि कहीं जॉब पे लगाएंगे, जहाँ पे सर प्लेसमेंट करवाएंगे सर, और वहाँ पे हमें जॉब करनी पड़ेगी 3 मंथ के लिए। काफ़ी अच्छी योजना शुरू की है सर, इससे बेरोजगार बच्चों को भी बहुत फ़ायदा हुआ है। हमारा कोर्स अब कंप्लीट होने वाला है और हमारी स्टडी यहाँ निःशुल्क हो रही है, कोई भी फीस नहीं दे रहे हम, और यहाँ रहना वहना सब सरकार की तरफ से है, और यहाँ आके हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ हमें आके। संस्थान के निदेशक रजनीश बंसल के अनुसार प्रशिक्षण के बाद सभी युवाओं को तुरंत नौकरियां दी जाती हैं। संस्थान से प्रशिक्षण लेने के बाद कई युवा रोजगार से जुड़ चुके हैं। ये भारत सरकार का प्रोग्राम है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का। इस स्कीम का नाम है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना। ये पूरा प्रोग्राम भारत सरकार से स्पॉन्सर्ड है। इसमें जो BPL के फैमिली के बच्चे हैं या मनरेगा में एनरोल्ड हैं या सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग हैं, वो लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और इसमें जो इस प्रोग्राम की सबसे खासियत ये है, इसमें एक पैसा भी बच्चे को नहीं देना, ना मोबिलाइजेशन के लिए जो घर से यहाँ तक आता है उसका भी जो पैसे हैं वो भारत सरकार ही पे करती है। और उसके बाद 3 महीने और 6 महीने की इसमें ट्रेनिंग है, जैसे GDA का कोर्स है, इसमें ऑटोमोबाइल्स का कोर्स है, AC एंड रेफ्रिजरेशन के कोर्स हैं। हमारे पास अभी 4 स्टेट के बच्चे हैं, बिहार के हैं, झारखंड के हैं, जम्मू कश्मीर के हैं और हिमाचल के बच्चे हैं। और जो इसकी जो बहुत अच्छी बात है कि बच्चे बहुत अच्छी अच्छी जगह प्लेस हैं हमारे, मतलब पारस हॉस्पिटल में हैं, फोर्टिज हॉस्पिटल में हैं, मेदांता में हैं, IVY हॉस्पिटल में है, और बच्चे 20 से 22 हज़ार रुपये तक की उसमें सैलरी का उनका स्ट्रक्चर है। एक बच्चा जो घर पे खाली बैठा था, आज वो बच्चा अपने पूरे परिवार का भी वो पालन पोषण कर रहा है। कुल मिलाकर केंद्र सरकार की दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना युवाओं को स्वरोजगार की राह दिखा रही है, जिसका वे भरपूर लाभ उठा रहे हैं। ये योजना युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मददगार बनी है। DD News के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।